वर्ल्ड टी20 में एक बार फिर टीम इंडिया ने पाकिस्तान को दी करारी शिकस्त, ईडन गार्डन में 6 विकेट से हराया। 18 ओवर में पाकिस्तान ने दिया था 119 रन का लक्ष्य, टीम इंडिया ने 13 गेंद शेष रहते हासिल की जीत। एक बार फिर टीम इंडिया की जीत के नायक बने विराट कोहली, 37 गेंदों पर 55 रन जड़कर नाबाद लौटे, बने मैन ऑफ द मैच। विराट ने 55 रन में 7 चौके, 1 छक्का जड़ा, 21 रन दौड़कर बनाए। युवराज सिंह ने 23 गेंदों पर 24 रन बनाए, 1 छक्का, 1 चौका जड़ा, विराट के साथ की 61 रनों की साझेदारी। कप्तान धोनी ने 9 गेंदों पर बनाए 13 रन, 1 छक्का जड़ा, विराट के साथ जीत दिलाकर लौटे नाबाद, दोनों के बीच हुई 35 रन की साझेदारी। पाकिस्तान पर जीत से गदगद टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जागी उम्मीद, कहा है भरोसा, कोलकाता में भारत खेलेगा फाइनल। क्या है तो वो भी मायने रखता है, एंड आई फील वी हैव प्लेड गुड क्रिकेट एंड दैट्स द रीजन, बट इट्स समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, बट एट द सेम टाइम यू नो आपको अपने तरफ से हर बार उतनी ही जोर लगानी पड़ती है। जैसे टीम इंडिया की शानदार जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, ट्वीट में लिखा जबरदस्त जीत के लिए बधाई, राहुल गांधी ने भी टीम इंडिया को दी जीत की मुबारकबाद। वर्ल्ड टी20 में पाकिस्तान को मात देने पर आज तक से बोली लता मंगेशकर, बारिश से हुई निराशा को टीम इंडिया ने जीत के तोहफे से किया दूर। ईडन गार्डन में टीम इंडिया की जीत पर दिखे कुछ यादगार लम्हे, शानदार पारी के बाद विराट ने मैदान से स्टेडियम में बैठे क्रिकेट के भगवान सचिन को किया नमन। भारत पाकिस्तान के मैच का महानायक अमिताभ बच्चन ने भी स्टेडियम में बैठकर उठाया लुत्फ, विजयी रन बनते ही लहराया तिरंगा। विराट कोहली ने पाकिस्तान की हर रणनीति पर फेरा पानी, जीत के बाद कहा न्यूजीलैंड के खिलाफ की गलती नहीं दोहराने का प्रण लेकर मैदान पर उतरे। टीम इंडिया की पाकिस्तान पर जीत के साथ भारत में हर तरफ मना जश्न, पाकिस्तान में एक बार फिर टीवी फोड़ने की आई नौबत। उत्तराखंड में सरकार पर संकट के बीच सीएम हरीश रावत को मिली थोड़ी मोहलत, 28 मार्च तक सदन में साबित करना होगा बहुमत। सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस के बागी 9 विधायकों को माफीनामे का दिया, बागियों ने दिल्ली में जमाया डेरा। कांग्रेस ने मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले बागी नेता हरक सिंह रावत को किया बर्खास्त। विधानसभा स्पीकर ने कांग्रेस के सभी 9 बागी विधायकों को भेजा नोटिस, दल बदल कानून पर मांगा जवाब। 21 सदस्यों वाले उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस के 36, बीजेपी के 28, बीएसपी के 2 और 4 अन्य विधायक थे। कांग्रेस के 9 विधायकों के बीजेपी के साथ जुड़ने पर बिगड़ा समीकरण। दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज आखिरी दिन, शाम 4 बजे पीएम नरेंद्र मोदी बैठक को करेंगे संबोधित। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को चुनाव आयोग का नोटिस, लाभ के पद का फंसा पेच, सीएम केजरीवाल ने सभी 21 विधायकों को बनाया है संसदीय सचिव, 11 अप्रैल तक देना है जवाब। सभापति हमिद अंसारी ने दिल्ली विधानसभा स्पीकर को लिखा खत, बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता पर कार्रवाई की मांग, राज्यसभा पर अखबार में लेख से जुड़ा मामला। बिहार बीजेपी विधायक सुशील मोदी, मंगल पांडे और प्रेम कुमार लौटाएंगे गिफ्ट, बजट सत्र के दौरान सदन में तोहफे करेंगे वापस। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बिहार में बढ़ते अपराध का किया जिक्र, मंगल पांडे को सताई राज्य के शिक्षकों और आर्थिक स्थिति की चिंता, कहा तोहफे लेने लायक नहीं है हालात। बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा है लश्कर, लश्कर कमांडर अबू दुजाना सेना और अर्धसैनिक बलों पर हमले की फिराक। खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर, हथियार लूटने की साजिश कर रहा है दुजाना, कॉल इंटरसेप्ट और आईपी एड्रेस से हुआ खुलासा। 10 आतंकियों के साथ बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में अबू दुजाना, पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर सैफुल्ला साजिद जट से ले रहा है निर्देश। घाटी में लश्कर के लिए काम कर रही फातिमा नाम की महिला का जिक्र भी कॉल इंटरसेप्ट में सामने आया, दुजाना को दिया गया व्हाट्सएप नंबर। दुजाना को उसके हैंडलर ने दिए निर्देश, एक्सपोज हो चुका है फातिमा का नंबर, बातचीत के लिए नया सिम कार्ड। यूपी के गोंडा में नाबालिग छात्रा को जिंदा जलाया गया, पड़ोसी पर रेप के इरादे से अगवा कर जलाने का लगा आरोप, छात्रा ने अस्पताल में तोड़ा दम। ग्वालियर में एसएएफ के सिपाही ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की, हालत नाजुक, बेटी ने महिला आईपीएस पर प्रताड़ना का लगाया आरोप। मेरठ में गंग नहर में डूब रहे 6 लोगों में से 3 को बचाया गया, 3 अभी भी लापता। यूपी के बलिया में बहादुरपुर प्राथमिक विद्यालय का मिड डे मील खाकर 125 बच्चे बीमार, अस्पताल में भर्ती।
हैदराबाद में एक होटल से दो बाल मजदूरों को किया गया रेस्क्यू, दोनों नेपाल के रहने वाले। बिहार के किशनगंज नेहरू शांति पार्क में पुलिस ने की छापेमारी, करीब एक दर्जन जोड़ों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। जाने माने उद्योगपति कोचा सफ चित्तापल्ली जंतर मंतर पर रेबीज मुक्त भारत के लिए सत्याग्रह करते दिखे, आवारा कुत्तों से मुक्त भारत की मुहिम छेड़ी। शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक चला कोचा सफ स्ट्रीट डॉग फ्री मूवमेंट, आवारा कुत्तों के काटने का शिकार हुए गरीबों को आर्थिक मदद की मांग। भारत में रेबीज के करीब 20,000 लोगों की हर साल होती है मौत, दुनिया भर में हर साल 55,000 लोग होते हैं रेबीज का शिकार। रूस में हुए विमान हादसे में केरल के पेरुम्बावूर के रहने वाले युवा जोड़े की भी मौत, शोक में डूबे परिजन, विमान हादसे में कुल 62 लोगों की मौत, सर्च ऑपरेशन जारी।